आज मैंने काजल लगाए हुआ है अमीना बाजी, आपको पता है? अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे बाल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बालों में इस तरह से आप कंघा ना। क्या समझते हैं लोग अपने आप को? किसी को पता नहीं है किचन में मैं किसी को जाने नहीं दूंगी, मैं फाड़ के रख दूंगी। लोगों ने समझ क्या रखा है? काजल ठीक है ना? मेरा काजल, आज मैंने काजल लगाया था, पता है? काजल ठीक है ना? देखना, ओ आलू के पराठे मेरे चार, उसमें बने ही रहने दो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी करने वाली हूँ। कुछ लोगों को और लग रहा होगा, जैसे मेरा इस टाइम पे ये क्या कहते हैं, क्या लगा रही हूँ मैं, क्या है, टिंट लगाना भी और लग रहा होगा। तो मैं बात कर रही हूँ, शुरू हो चुका है बिग बॉस। तो किस किस का फेवरेट है? मेरा तो बहुत जबरदस्त फेवरेट है, सच्ची बताऊँ मैं कंटेस्टेंट से ज्यादा बिग बॉस का की फैन हूँ। बिग बॉस की आवाज की वाह यार, बिग बॉस कभी सामने ही नहीं आते, आवाज से इतने हैंडसम है बिग बॉस तो, कि बस पूछो ना, बहुत जबरदस्त लगते हैं बिग बॉस मुझे तो। आप लोग भी कौन कौन है जो इसमें से बिग बॉस देखता है? मुझे तो भाई एक भी नहीं एपिसोड छोड़ती, जबकि कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत लड़ाई झगड़ा ये वो, देख ले अभी आप खुद। गाइज मैं आपको बता रही थी कि बिग बॉस एक ऐसा शो है, ऐसा रियलिटी शो है जहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं और अपने आप की अपनी इज्जत उतरवाते हुए दिखाते हैं। जैसे कि वो इतनी छोटी बातों पे लड़ते हैं कि कोई फ्लश हो गया है ना, तो कहते हैं ओ यार ओ शिट इतना तेज बदबू आ रही है, किसी ने स्प्रे तो नहीं किया? तो अभी हम लोग भी स्प्रे कर देते हैं इसी बात पे आप लोगों के पास। तो मैं तो वही बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस ये मायरा की नकली चोटियां हैं, हमीदा बाजी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं। चोटी में क्या हो गया है यार, मैं लगती हूँ लगा के। आज मैंने काजल लगाया हुआ है हमीदा बाजी, आपको पता है? अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे को अच्छा लगता था काजल, लेकिन मैं लगाती नहीं। मेरी आंखें बड़ी हैं, दिख तो नहीं रही है मुझे बड़ी आंखें, हेडलाइट ऐसी लग रही है, बल्ब ऐसी मेरे, ये पता है ये जो मेरी तिल है ना, तिल, मैं समझती थी ये तिल नहीं है, मेरे दाना है या कोई कील अंदर है। मैंने इसे इतना फोड़ा एक दिन कील को बाहर निकालने की कोशिश की, तो उससे पता है क्या हुआ गाइस, वो उल्टा मेरे यहाँ इतना बड़ा एक निशान बन गया था जो धीरे धीरे गया, पता है लग ही नहीं रहा है। हम लोग सर्दियों में आए, सर्दियों के दिन हैं, इतनी धूप है ना, इतनी धूप है, उफल्ला हद से ज़्यादा। क्या हो गया? कुछ नहीं है, कल अवीरा तोड़ने आई, बिल्ली छुप के बैठी हुई थी, भागी। डॉगियों से छुप के बैठी हुई थी। आ जाओ, कल मैंने बहुत चादरें धोई हैं सब। तो गाइस कल मैंने धोबी घाट लगाया हुआ था, जहाँ मैंने सारे ही सामान धो दिए, घर की सारी चादरें, सारे कालीन, सारे सब मैट वैट सब चीज़ धो दी थी। तो हमीदा बाजी मुझसे बातें कर रही थी इसी पे, मैंने कहा हाँ, और पानी तो आ नहीं रहा है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी, करबला बना हुआ है, और पता चला कि पानी की लाइन ही काट दी गई है। तो हम लोग ना पानी को परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद के हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक एक पानी का टैंकर हमें 19,000-20,000 ऐसे मिल रहा है। पानी पीने वाला भी हम अलग ख़रीदें, पानी हम घर में इस्तेमाल करने वाला भी ख़रीदें। कराची में पानी की बेहद किल्लत है, बहुत ज़्यादा, मैंने हमेशा ये देखा। तो ये लाई हूँ मैं एलोवेरा। एलोवेरा तो आप लोगों को हर क्वालिटीज़ एलोवेरा की पता होगी कि एलोवेरा किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और मेरी स्किन के लिए एलोवेरा तो जैसे आप समझ लो कि वो होता है नहीं रामबाण चीज़ हो, इस ऐसी होती है, इसीलिए मैंने एलोवेरा इतना लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पता है सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी स्किन स्मूथ होती है,
ठीक है, इससे एक और बहुत बड़ी बात ये है कि स्किन जो है ना आपकी, जो ये पोर्स होते हैं जिनमें वाइट हेड ब्लैक हेड्स भर जाते हैं ना, ये बहुत कम हो जाते हैं। ये गंदगी जो है ना इनको लगाने की वजह से ना आपके देखेंगे कि जितनी तेज़ी से भरती जाती है ख़त्म हो जाती है। हमीदाबाजी ना पंखा चला गई, और जब व्लॉगिंग करो ना तो पंखा चला दो तो जो है आवाज़ नहीं आती है। अच्छा। और हमीदाबाजी की तरफ गाइस कैमरा करो ना तो ये कहती है कहते कहती आजकल हमीदाबाजी को एक ऑटो रिक्शे वाला परेशान कर रहे हैं। नहीं, हम दूसरे दीवानी लगती है मुझे तो कोई लड़की सयानी लगती है। उठो जल्दी, इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल झड़ रही हूँ। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना, और इस लड़की ने भूतों की तरीके सारे बाल खोल के रखे हुए। आ नहीं रही मेरे पास कि मैं इसे कंघा कर दूँ जरा इसके बालों में। चलो आओ जल्दी मायरा। खैर मैंने भी कल से कंघे नहीं किए, लेकिन मेरे बाल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट बालों में इस तरह से आप कंघा ना भी करें तो पता नहीं चलता है। अब जो न्यू निकल रहे हैं ना, न्यू ग्रोथ आ रही है, ये देखें। तो ये मेरे खुद के अपने बाल हैं, मेरे बाल हल्की कर्ली कर्ली से थे, अभी मैं मायरा को कंघा कर दूँ। नोच ली इसने मेरी बहुत बालों से सारी पोनी। अब मैं इससे खफा हूँ, नाराज हूँ, मैं नहीं बात कर रही। जल्दी जल्दी मेरी एक बात चुप से सुन ले, फिर मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मायरा रो रही है, मैं जा रही हूँ मायरा के पास। मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।